नमस्कार दोस्तों, ये हमारी वायरलेस बेल है। इसका जो वायरलेस स्विच था वो ख़राब हो गया है। अब हम इसको, इसकी जो स्विच की वायर है वो बाहर निकाल लेंगे और हम इसको वायर्ड बेल बनाएंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, अभी मैं इसमें वायर लगा देंगे। ये देखा दोस्तों, अब हम इसमें से वायर जो है लगाएंगे। ये हमारी वायरलेस बेल है, इसको हम वायर्ड बेल बनाएंगे क्योंकि हमारा जो स्विच है वो खराब हो चुका है। दोस्तों, ये जो हमारा स्विच है जिससे हम इसका जो बेल का साउंड रिंगटोन है चेंज करते हैं ना, इसी स्विच को हम यहीं से स्विच का एक वायर ले जाएंगे। ये देखो दोस्तों, इस स्विच को हम पुश करते हैं तो यहाँ से रिंगटोन चेंज होता है। मैं अभी आपको बजा के दिखाता हूँ एक बार। ये देखो, इसको हम दबाएंगे, यहाँ से जो दबाने से इसका रिंगटोन चेंज होता है। हम यहाँ से स्विच का वायर लेंगे और वो स्विच हम लंबा कर देंगे। अभी देखते जाइए। ये स्विच है, अभी हम इसको ये हमारे दो वायर है, इसको हम इसमें लगा देंगे। ये हमारे, ये दोनों वायर हमारे कनेक्ट हो गए हैं दोस्तों। अभी मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ। ये दोस्तों मेरा स्विच है, ये देखो बज रहे हैं दोस्तों। हम इसको फिट कर देंगे। दोस्तों, आप भी सिर्फ ये छोटा सा काम करना है आपको, ये बोर्ड निकालना है और जो ये रिंगटोन वाला स्विच है इसी के नीचे आपको ये दो वायर लगा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये हमारे अब जुड़ गए हैं ना, और मैंने आपको सुनाई दिया इसका। अब मैं आपको फिट करके दोबारा से इसको बजा कर दिखाता हूँ ये वायर।
दोस्तों ये हमारी बेल तैयार हो चुकी है, हमारी जो वायरलेस इसका स्विच ख़राब हो गया था, हमने इसको वायर्ड बेल बना दिया क्योंकि वो स्विच ख़राब हो चुका था। ये देखो दोस्तों, ये इसकी वायर्ड है और ये इसका स्विच है, ठीक है दोस्तों। ये बेल, ये इसका वायर, ये बेल इसका वायर, और ये देखो देखो स्विच, ये हमारा जो वायरलेस बेल है वो वायर्ड हो चुका है दोस्तों।